नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, इन दिनों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहकों में एक SMS से हड़कंप मचा हुआ है। इस मैसेज में उनके अकाउंट से 147.50 रुपये काटे जाने की जानकारी दी गई है। यह राशि ट्रांसफ़र के जरिए डेबिट हुई है। SBI के ग्राहक यह सोचकर हलकान हो रहे हैं कि उन्होंने खुद तो किसी के खाते में राशि ट्रांसफ़र नहीं की, इसके बावजूद उनके खाते से राशि कैसे डेबिट हो गई। दोस्तों, आप भी SBI के ग्राहक हैं और आपके अकाउंट से भी अगर राशि कटी है तो आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम आगे इसका कारण बता रहे हैं। दरअसल, बैंक अपने ग्राहकों को कई तरह की सुविधाएं देते हैं। मसलन, ग्राहकों का अकाउंट मेंटेन करना, उन्हें डेबिट ATM कार्ड की सुविधा देना, इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा देना आदि कई तरह की सुविधाओं के बदले में बैंक उनसे साल में एक बार चार्ज वसूलते हैं। इस बार भी यही चार्ज वसूला गया है। लेकिन दोस्तों, बैंक प्रबंधन की बेवकूफ़ी यह रही कि इसने SMS में कहीं भी क्लियर नहीं किया कि यह सालाना मेंटेनेंस शुल्क काटा गया है। अगर बैंक प्रबंधन SMS में ही यह क्लियर कर देता कि यह सालाना मेंटेनेंस शुल्क की राशि है तो ग्राहक ज़्यादा परेशान न होते। दोस्तों, मौजूदा दौर में जमकर ऑनलाइन फ्रॉड हो रहे हैं, ऐसे में इस SMS को लेकर ग्राहकों का परेशान होना लाजमी है। ग्राहक यह सोचकर परेशान हो रहे हैं कि उन्होंने तो किसी के खाते में राशि ट्रांसफ़र नहीं की है, इसके बावजूद उनके खाते से राशि कैसे डेबिट हो गई। अगर उन्हें SMS से पता चल जाता कि उनके अकाउंट से सालाना मेंटेनेंस फीस काटी गई है तो वे ज़्यादा परेशान नहीं होते। वैसे एक ग्राहक ने ट्विटर के जरिए SBI प्रबंधन से ये पूछा है कि उसके खाते से 147.50 रुपये क्यों काटे गए। इस पर SBI प्रबंधन ने ट्विटर पर ही उसे जवाब दिया है। SBI ने कहा, कृपया ध्यान दें कि ग्राहकों को जारी एवं वर्ष में कभी भी सक्रिय प्रत्येक ATM से डेबिट कार्ड के रखरखाव शुल्क के रूप में 147.50 रुपये प्रतिवर्ष लिया जाता है। ऐसे में अगर आपके खाते से भी पैसे कटते हैं तो आप ध्यान रखें कि ये मेंटेनेंस फीस के रूप में काटे गए हैं। तो दोस्तों, पूछे जाने पर तो SBI प्रबंधन ने ट्विटर पर इसका जवाब दे दिया, लेकिन अपने SMS में SBI प्रबंधन ने कहीं ये जिक्र नहीं किया है कि ये सालाना मेंटेनेंस फीस की राशि है। बेचारे ग्राहक यह सोचकर परेशान हो रहे हैं कि कहीं उनके साथ ऑनलाइन फ्रॉड तो नहीं हुआ है। तो दोस्तों, अब तो आपके दिमाग में क्लियर हो गया होगा कि आपके साथ कोई फ्रॉड नहीं हुआ है, यह राशि खुद बैंक प्रबंधन ने ही काटी है। तो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों व अन्य ग्राहकों में शेयर जरूर करना। धन्यवाद।